सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। राष्ट्रीय दलित आरक्षण परिरक्षा समिति के अध्यक्ष कार्नेस इस्लाम पर मंगलवार को हैदराबाद में प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमला हुआ। इस हमले में उनको बुरी तरह पीटा गया। उनको मारते हुए प्रेस क्लब के बाहर तक ले गए। राष्ट्रीय दलित आरक्षण परिरक्षा समिति के अध्यक्ष कार्नेस इस्लाम मंगलवार को हैदराबाद में प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह कुरुकुल पाठशाला में अनियमितताओं पर बोल रहे थे। इस कुछ असामाजिक तत्व वहां आए और बिना कुछ कहे उनके साथ मारपीट करने लगे। किसी तरह मौजूद लोगों ने उनको बाहर ले जाकर बचाया, जिसके बाद इस्लाम ने उस्मानिया विश्वविद्यालय के स्कॉलर पी अलेक्जेंडर और उनके सहयोगियों के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज की है। मामला दोनों ओर से दर्ज किया गया है। अलेक्जेंडर ने भी शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि इस्लाम के समर्थकों ने उन पर भी हमला किया है। मामले की जांच अभी जारी है। बता दें, घटना हैदराबाद में स्थित एक प्रेस क्लब की है। जिस वक्त हमला हुआ, गुरुकुल पाठशाला में हो रही अनियमितताओं पर भाषण दे रहे थे। अगर आपको हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।